अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप जो है सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है आज का वो है हमारा मिक्सचर। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो बाय मास दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर बनाने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें हम एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को मिला के भी बना सकते हैं, जैसे जिंक और कॉपर को मिला दें। जिंक भी एक एलिमेंट है और कॉपर भी एक एलिमेंट है, तो इस तरह इनके मिलने से एक मिक्सचर बन जाएगा। या फिर गोल्ड सोना, उसमें अगर हम कॉपर मिला दें, गोल्ड भी एक एलिमेंट है और कॉपर भी एक एलिमेंट है, तो इस तरह इनके मिलने से एक मिक्सचर बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम मिक्सचर जो है को कंपाउंड और कंपाउंड को मिला के भी हम बना सकते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl एक जो है हमारा कंपाउंड है, और इसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करें यानी कि H2O के अंदर, तो पानी भी एक कंपाउंड है, तो दोनों को डिजॉल्व करने से एक मिक्सचर बन जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी मिक्सचर बनाने की ये है कि जिसमें हम एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को भी मिला के हम मिक्सचर बना सकते हैं। एलिमेंट के लिए आप आयरन ले लें बारीक पिसा हुआ, जिसको हम आयरन फिलिंग का नाम देते हैं, तो उसे अगर हम सैंड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 में अगर हम मिक्सअप कर दें, तो सैंड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, जबकि ब्रिक पिसा हुआ लोहा वो एक एलिमेंट है, तो इस तरह एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के मिलने से भी मिक्सचर जो है बन सकते हैं। तीसरा मिक्सचर की जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। मिक्सचर जब बन जाएगा तो उसमें इनके जो हमने कंपोनेंट्स मिलाए हैं, एक तो ये है कि उनकी आपस की जो मिकदारें हैं वो कोई फिक्स नहीं होगी, यानी कि जितना मर्जी एक कंपोनेंट्स मिला दें और जितना मर्जी दूसरा कंपोनेंट्स मिला के मिक्सचर को बनाया जा सकता है इसके बाद हम देखते हैं और मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि मिक्सचर बनाने के लिए जो हमने अशिया मिलाई है, तो वो मिलने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो कि तू रहेंगी, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी कि तो मिक्सचर जब बन जाएगा तो उनकी जो जो, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो रिटेन रहेंगी। जैसा कि हमने पहला मिक्सचर बनाया जिसमें हमने गोल्ड और कॉपर को जो है मिलाया, तो इसमें दोनों को मिलाने से गोल्ड और कॉपर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज यानी कि खसूसियात जो कि तू रहेंगी, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह दूसरा मिक्सचर जो हमने बनाया था, इसमें हमने कंपाउंड और कंपाउंड को मिलाया यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिलाने से जो हमने मिक्सचर बनाया था, तो उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड और वाटर की प्रॉपर्टीज रिटेन रहेगी, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। और तीसरा मिक्सचर जो था वो एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिलाने से बनाया था, तो उसमें यानी कि ब्रिक पिसा हुआ लोहा और सैंड को तब मिलाया था, तो उसमें ब्रिक पिसा हुआ लोहा और सैंड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बरकरार रहेंगी। और दूसरी बात ये है, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स पेरेंट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। यानी कि मिक्सचर जब हम बना लेंगे तो उसके कंपोनेंट्स को हम बआसानी अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें नीचे ये तरीके दिए हुए हैं,
मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने से, तो ये तरीके अख्तियार करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें से ये तरीके हैं डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये तरीके अख्तियार करके मिक्सचर के अज्जा को दोबारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने बारीक पिसा हुआ लोहा और रेत को मिलाया था, तो उसमें यानी कि हम मैग्नेटाइजेशन यानी कि मकनातीस की मदद से उसके के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। यानी कि हम जो है मकनातीस जब रेत में फेरेंगे